नमस्कार, मैं बीना सिंह और आप देख रहे हैं RAD न्यूज। कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों के रिसर्च में बड़ा खुलासा हुआ है। जी हां, आपको बता दें कि इस रिसर्च में ये सामने आया है कि वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी बीमार कर रहा है कोरोना का B.1.617 वेरिएंट। महाराष्ट्र के विदर्भ में मिला कोरोना का B.1.617 वेरिएंट वैक्सीन लगवा चुके लोगों को भी संक्रमित कर रहा है। हालांकि टीका लगवा चुके लोगों को यह सिर्फ बीमार कर सकता है, इससे ज्यादा जोखिम नहीं है। यह जानकारी भारत और ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने रिसर्च में दी है। वैज्ञानिकों ने अधिकतर लोगों के लिए टीकाकरण को सुरक्षित बताया है। B.1.617 वेरिएंट पहली बार महाराष्ट्र के विदर्भ में पिछले साल अक्टूबर में सामने आया था। आपको बता दें कि वैज्ञानिकों के अनुसार म्यूटेशन E484Q और L452R होने की वजह से इसे डबल म्यूटेंट कहा गया है। कोरोना का यह वेरिएंट टीका से शरीर में तैयार हुए सुरक्षा कवच से बच निकलता है। 10 देशों के लेबोरेटरी समूह में शामिल इंडियन SARS-CoV-2, जीनोमिक कॉन्सोर्शिया और ब्रिटेन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ने SARS-CoV-2 B.1.617 को लेकर रिसर्च प्रकाशित की है। रिसर्च में शामिल कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मेडिसिन विभाग के रवि गुप्ता ने कहा कि रिसर्च डेटा में इस वेरिएंट के जोखिम को बताया गया है, लेकिन यह भी स्पष्ट किया गया है कि टीका ही अधिकतर लोगों के लिए सुरक्षित है। वहीं नई दिल्ली के इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी के निदेशक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल और वैज्ञानिक विनोद साकारिया ने भी इस वेरिएंट के खिलाफ टीके को कारगर बताया है। अब बताते हैं आपको कि WHO ने इसे इंडियन वेरिएंट नाम नहीं दिया है। आपको बता दें कि जो इंडियन वेरिएंट कहा जा रहा है B.1.617 को, इसको लेकर भारत ने कहा है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के नए वेरिएंट B.1.617 से जुड़े अपने 32 पेज के दस्तावेज में इंडियन वेरिएंट शब्द का उपयोग नहीं किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि कुछ मीडिया रिपोर्टर्स में इंडियन वेरिएंट का नाम लिखा जा रहा है, जो बेबुनियाद और गलत है, इसका कोई आधार नहीं है। वहीं WHO ने भी कहा है कि वायरस का वैज्ञानिक नाम ही लिखा जाए, उसने किसी भी वायरस को किसी देश या क्षेत्र का नाम नहीं दिया है।